સ્પાઇન એજ્યુકેશન વેબિનાર માં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજે આપણે વાત કરીશું કમરના મણકાની નસના દબાણ બાબતે. આપણે ભૂતકાળમાં વાત કરી ચૂક્યા છીએ ગાદી અને તેના દર્દ બાબતે અને ઓસ્ટિયોપોરોસિસ બાબતે, જેની માહિતી અને જેના વિડીયો યુટ્યુબ પર અને ફેસબુક પર અવેલેબલ છે. I welcome you all on behalf of Stavya Spine team. Today's webinar is on the lumbar spinal stenosis, and we will be talking about lumbar stenosis. My declaration will be, this is an educational activity to increase the awareness in the society and in the patients. This is more or less experience based, and treatment can vary from case to case. ये वेबिनार का डिक्लेरेशन ये है कि ये हमारी एक्टिविटी पेशेंट एजुकेशन सोसाइटी में एजुकेशन अवेयरनेस के लिए है, और मेनली ज्यादातर उसमें हमारा एक्सपीरियंस एंड ट्रीटमेंट केस टू केस चेंज हो सकती है. हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ द लंबर स्पाइन. आई एम भरत दवे एंड विल बी टॉकिंग ऑन द बेसिक्स ऑफ द लंबर स्पाइन. ये सारे पेशेंट्स आप देख रहे हैं, ये सब आए हैं हमारी हॉस्पिटल में दर्द के लिए, लेकिन कई लोगों को दर्द के साथ में डिसेबिलिटी भी है. दर्द क्या है? तो दर्द ए अनप्लेजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस विच कुड बी बिकॉज ऑफ द टिश्यू डैमेज और इट कैन लीड टू टिश्यू डैमेज. दिस इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द म्यूजियम्स इन द डिफरेंट फॉर्म. अगर आप देखो तो ये म्यूजियम का स्कल्पचर है, उसमें दर्द की वजह से कितनी परेशानी दिख रही है, और दूसरा जो पिक्चर है फोटोग्राफ है उसमें भी दर्द की वजह से कितनी परेशानी हो रही है वो बता रहे हैं. लेकिन दर्द के साथ साथ में और भी क्या हो सकता है? तो दर्द के साथ में डिसेबिलिटी हो सकती है. डिसेबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं? तो वो डिमिनिश्ड कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल फॉर द सेम एज एंड सेक्स. सपोज 55 साल की उम्र में नॉर्मल आदमी सब कुछ काम करने के लायक रहता है, लायक होता है, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं कि जो अपना काम नहीं कर सकते हैं, ज्यादा खड़े नहीं रह सकते हैं, ज्यादा बैठ नहीं सकते हैं, उसको डिसेबिलिटी कहते हैं. उसके साथ में दर्द हो भी सकता है और दर्द न भी. तो हम बात करेंगे स्टेनोसिस के बारे में. स्टेनोसिस का मतलब होता है स्पेस रिड्यूस हो गई, जगह कम हो गई, જગ્યા સાંકડી થઈ ગઈ, જેને ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ. આપણા શરીરમાં આપણે શરીરમાં કઈ અવયવ હૈ જિસમે યે જગહ કમ હોને કી સંભાવના રહેતી હૈ. હમ લોગ અગર હૃદય કી બાત કરે તો હૃદય મેં અગર ઉનકી જો ખૂન કી નલી હૈ વો અગર ખૂન બ્લોક હો જાય વહાં પે, છોટી હો જાય કોલેસ્ટ્રોલ કી વજહ સે, તો વહાં પે હાર્ટ અટેક આને કી સંભાવના રહેતી હૈ. ऐसी तरह अगर आप सोचो तो अन्न नली और श्वास नली, जो हमारा खाना या सांस के लिए भी जरूरी होती है वो नलियां, अगर वो छोटी हो जाए, वहां पे कॉम्प्रेशन हो जाए, वहां पे साइज कम हो जाए, तो वहां पे भी दिक्कत होने की संभावना होती है. जैसे कि अन्न नली में अगर जगह कम हो जाए तो पेशेंट का खाना बंद हो जाता है और वॉमिटिंग ज्यादा हो जाती है. ऐसी तरह अगर ब्रेन में भी खून की नस बंद हो जाए, जगह कम हो जाए, तो स्ट्रोक आने की संभावना रहती है. और अगर सेम चीज अगर इंटेस्टाइन में हो तो भी वहां पे इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है. सो सेम वे हमारी रीढ़ की हड्डी में भी वही होता है. जो ऊपर से नस, सफेद नस जाती है ब्रेन से निकल के नीचे पैर तक, अगर कमर में वहां पे जगह कम हो गई तो इसको कहते हैं लंबर स्टेनोसिस. लंबर स्टेनोसिस क्या है? तो लंबर स्टेनोसिस में हमारे तीन कव होते हैं. वो तीनों कव ऐसे होते हैं कि हमारी स्थितिस्थापकता रखते हैं. जैसे हमारे पहले वेबिनार में हमने ये बताया है, ऐसी तरह अगर आप लंबर स्टेनोसिस के बारे में आगे बात करें तो ये जो है वो गद्दी है, और ये गद्दी ऊपर और नीचे रीढ़ की हड्डी होती है, तो ये नॉर्मल है. लेकिन जैसे उम्र बढ़ती है तो ये गद्दी की साइज कम हो जाती है, हाइट कम हो जाती है, और इसकी वजह से नस पर दबाव होता है और नस की जगह कम हो जाती है, जिसको कहते हैं हम स्पाइनल स्टेनोसिस. और अगर आप एमआरआई में देखो तो ये नॉर्मल एमआरआई है हमारा,
जहां पे गद्दी है, कोई दबाव नहीं है, जो सफेद है वो पानी है और इसके बीच में नस है। लेकिन अगर नीचे देखो तो तीन चार और चार पांच के बीच में नस का दबाव काफी है, वो काफी आप अच्छे से देख सकते हैं कि नस का दबाव की वजह से पैर में और डिसेबिलिटी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये कहते हैं स्पाइनल स्टेनोसिस। अगर आप इसको पानी के प्रवाह के साथ कंपेयर करो तो देखो पानी अच्छे से आ रहा है, फ्लो अच्छा है, जैसे हमारे एमआरआई में दिख रहा है कंप्लीटली नॉर्मल है एमआरआई। लेकिन जैसे फ्लो बंद हो जाता है, जैसे ये पेशेंट के एमआरआई में देखो तो चार और पांच के बीच में काफी नस का दबाव है, तो वो इलेक्ट्रिक करंट जो ऊपर से नीचे आता है उसका फ्लो बंद हो गया और इसकी वजह से पेन और डिसेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसपे स्पाइनल स्टेनोसिस हम कहते हैं और उसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। ये क्या हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ये क्या हम ट्रीटमेंट से कम कर सकते हैं? नहीं, ये हम नहीं कम कर सकते, ये समय का है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ऐसे ऐसे सब में ये चीज होने वाली है। लेकिन हम अगर ट्रीटमेंट अच्छे पहले से करें, इसके बारे में जानकारी है, तो हम पक्का उनके बारे में ट्रीटमेंट से डिसेबिलिटी जो होती है वो पक्का कम कर सकते हैं। जैसे ये पहले पिक्चर बताया था, यही पिक्चर है, अगर आप देखो तो हमारा ये रीढ़ की हड्डी है, बीच में ज्ञान तंतु के लिए जगह है और ये ज्ञान तंतु में से दोनों जगह पे ऐसे ऐसे नस निकलती है, कमर में नस पैर में जाती है। नॉर्मली ये जगह जैसे रेड़ बताया ऐसी होती है। जैसे ये स्पेसिमेन में देखो तो काफी जगह है जहां पे नस का जगह है वहां पे, और फिर बाद में क्या होता है जैसे उम्र बढ़ती है तो ये जगह कम हो जाती है। जैसे आप देखो यहां से कितनी कम हो गई, और कई बार इतनी ज्यादा कम भी हो जाती है जैसे ये बताया गया है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये जगह कम हो जाती है, और कई बार जन्म से भी ये साइज कम होती है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल नैरो कैनाल कहते हैं। जब ये नस की जगह बनती है तभी से ही ये जगह कम हो जाती है। नॉर्मली गादी जो होती है दो रीढ़ की हड्डी के बीच में है तो उसमें फिशरिंग होता है, उसमें डैमेज होता है। हमारा पहला वेबिनार अगर आपको आपने नहीं देखा है तो देखो, इसमें काफी सारी जानकारी दिया हुआ है। अगर ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और ये बाद में क्या होगा, काफी जगह कम हो जाएगी। जैसे ये पेशेंट के देखो स्पेसिमेन में तो ये नॉर्मल है और यहाँ पे कम हो गई, यहाँ पे इससे भी ज्यादा कम हो गई, और यहाँ पे देखो तो नॉर्मल हाइट और नीचे धीरे 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 कम हो जा रही है, जैसे नस का दबाव बढ़ता जा रहा है। और ऐसे पेशेंट्स में पैर में चलने की ताकत कम हो जाती है। कई बार यंग पेशेंट में भी हड्डी के मूवमेंट जो होती है वो ज्यादा दिख रही है। इसमें देखो तो आगे पीछे झुक के ये एक्सरे करवाया है, तो इसमें लैक्सिटी कहते हैं हम लोग, तो लैक्सिटी की वजह से भी ये ज्यादा मूवमेंट होती है और उसमें भी पैर का दर्द काफी बढ़ने की संभावना होती है। स्टेनोसिस जो होता है उसमें सबसे पहले चीज होती है वो हड्डी की घिस जाना, हड्डी में डिजनरेशन जिसको कहते हैं हम। बाद में होती है वो कैप्सुल लैक्सिटी जो आगे मैंने बताया, और बाद में अगर एक्सरे देखो आगे पीछे झुक के तो ऐसे हड्डी एक दूसरे पर स्लिप भी होती है, और ऐसे जब स्लिप होती है तो जगह जो बाहर निकलने की होती है ज्ञान तंतु की वो कम हो जाती है। इसको हम कहते हैं अनस्टेबल स्पाइन, और स्पाइन की स्टेबिलिटी कम हो गई है। तो उस तरीके से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं एक्सरे के साथ में, एमआरआई के साथ में। क्या इंसिडेंस क्या है इसका? तो अगर सोचो तो 100 में से 8 को 50-60 साल के आसपास में ये तकलीफ होती है, और ये 4 गुना ज्यादा दिख रही है विमेन में। अगर आप अच्छे तरीके से देखो, कई चीजें तो होने वाली है, जो आदमी का जन्म हुआ है उसको 42 इयर्स में प्रेस बायोपिया होने वाला ही है, सफेद बाल होने वाले ही है, जो जिया है जिसने जन्म लिया है वो होने वाला ही। ऐसी तरह अगर देखो तो हमारे पास 21 गादी है, तो हमारे ये ब्लेसिंग हम कंसिडर करें, क्योंकि अगर एक दो को नुकसान हुआ तो बाकी गादी तो बची हुई है, तो हमारी मूवमेंट अच्छे से होती रहेगी। जैसे हम बताते हैं कि हमारे पास 2 किडनी है लेकिन आधी या एक किडनी से पूरी जिंदगी जी सकते हैं, ऐसी तरह हमारी रीढ़ की हड्डी में पर्टिकुलरली कमर में 55% जगह ज्यादा है, इसलिए कई बार दर्द कम होता है या दर्द नहीं आता है जब तक ये 55% जगह ज्यादा कॉम्प्रेस न करे, वहां पे जगह कम ना हो। और नर्वस टिश्यू हमारी है वो भी अगर एक बार कॉम्प्रेशन होता है तो हर बार उसको परेशानी होती है ऐसा नहीं होता है, लेकिन कॉम्प्रेशन जब ज्यादा वक्त तक रहता है तो वो नस सूख जाती है। जैसे ये जगह बताई हमने, ऐसी जगह ये मेल पेशेंट में 14-20 मिलीमीटर होती है और फीमेल में 13-18 मिलीमीटर होती है।
लेकिन जब ये जगह 10 मिलीमीटर से कम हो जाए तो हम पेशेंट्स को सर्जरी के लिए पक्का एडवाइस करते हैं, क्योंकि उनकी सिम्टम्स काफी बढ़ जाते हैं और अगर वक्त पे सर्जरी नहीं हुई तो ज्यादा भी तकलीफ हो सकती है। ये जो मैंने बताया 45% जगह है वो जरूरी है, लेकिन उसमें 55% जगह ज्यादा है जिसको हम स्पाइनल रिजर्व कहते हैं। तो क्या सिम्टम्स होते हैं ये पेशेंट्स के? पेशेंट्स को नमनेस होती है, ज्यादातर पेशेंट को परेशानी होती है चलने के बाद में, झुनझुनाहट बढ़ जाती है और ज्यादा चल नहीं सकते हैं, जिसको हम 5-10 मिनट से ज्यादा खड़ा रहना चलना जब बंद हो जाता है, या फिर धीरे धीरे चलने की तकलीफ ज्यादा ज्यादा बढ़ती जाती है, वो पेशेंट को हम लोग कहते हैं न्यूरोलॉजिकल क्लॉडिकेशन, और वो एक पैर में होता है या दोनों पैर में भी होने की संभावना होती है। इसके साथ में हम लोग सब पेशेंट्स में सर्कुलेशन की भी जांच करते हैं और घुटनों के जॉइंट्स की भी जांच करते हैं, ताकि वो भी उसके साथ में परेशानी ज्यादा कर सके। पेशेंट आता है हमारे पास कई बार ऐसी तरह टेढ़ा घूम के ऐसे ही आता है, या फिर कई बार ऐसे टेढ़े कमर भी हो जाती है, तो ये सब साइंस होती है रीढ़ की हड्डी में हड्डी गिर जाने की और स्टेनोसिस की। अगर ज्यादा जानकारी हम आपको देना चाहते हैं नी स्पाइन सिंड्रोम के बारे में, कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो उम्र लायक होते हैं 60 साल 70 साल, तो उनको उनके नी जॉइंट को भी आर्थराइटिस होता है, और जैसे नी जॉइंट का आर्थराइटिस होगा तो आप देखो तो ये पेशेंट लकड़ी के साथ चलेगा और आगे झुक के चलेगा, और घुटनों का आर्थराइटिस भी कई बार होता है, तो ये दोनों के लिए हम लोग कई बार दोनों सर्जरी सजेस्ट करते हैं। जैसे ये पेशेंट में देखो तो नी का आर्थराइटिस काफी बड़ा है, उनके पैर भी टेढ़े हो गए, लेकिन इसके साथ में 3 और 4 के बीच में भी नस काफी दबी हुई है, तो ये पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है? घुटनों का आर्थराइटिस है, दोनों पैर में झुनझुनाहट हो रही है, दोनों पैर में नस दबकी की वजह से दर्द भी हो रहा है और कमर का भी दर्द हो रहा है, तो ये पेशेंट को हम लोग दोनों सर्जरी एडवाइस करते हैं। कई बार तय भी करते हैं कि पहले स्पाइन करवाओ बाद में नी करवाओ, या पहले नी करवाओ बाद में स्पाइन करवाओ। इसके लिए हम लोग कमर में रीढ़ की हड्डी में या नी जॉइंट में इंजेक्शन से पक्का डायग्नोसिस दे सकते हैं। ये पेशेंट को हमने नी जॉइंट और स्पाइन दोनों साथ में किया था। और ऐसी तरह हिप स्पाइन सिंड्रोम भी होता है, जैसे गोला होता है हमारे हिप जॉइंट का और उसके साथ में भी स्पाइन का आर्थराइटिस, सो दोनों साथ में भी होने की सब होने का कई पेशेंट होते हैं जिसमें होता है। तो मेरा मैसेज है ये उम्र का रोग है, ये उम्र के रोग सबको होने वाला है, लेकिन हम इसके लिए डिसेबिलिटी होती है, इसका जो दर्द होता है और जो डिसेबिलिटी उसको पक्का कम कर सकते हैं। इसके लिए किसी को परेशानी नहीं देनी चाहिए कि आपकी वजह से हुआ। कई बार पेशेंट आते हैं मैंने इतना ज्यादा काम किया आपके फैमिली के लिए इसकी वजह से मेरा दर्द हुआ, वो गलत प्रेमी है। ये रियलिटी है, हम सबको ये समझना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी का आर्थराइटिस, रीढ़ की हड्डी का नस का दबाव सबको होने वाला है, लेकिन कई बार जल्दी उम्र में होता है, तो इसके बारे में जल्दी से जांच जल्दी से ट्रीटमेंट करनी चाहिए। हमारी एक्टिविटी मॉडिफाई करनी चाहिए। एक्टिविटी मॉडिफिकेशन में क्या होता है, तो नीचे बैठना, आगे झुक के काम करना, कुर्सी टेबल की जिंदगी जीना, वो बहुत जरूरी होता है। अगर वो सब समझ के चले तो प्रॉब्लम कम होगा, ऊपर की नीचे की रीढ़ की हड्डी को भी प्रॉब्लम कम होगा। हमारा एनवायरमेंट हम आप इस तरीके से सेटल करेंगे तो भी प्रॉब्लम कम होगा। किचन में जाना है, किचन में कई चीजें नीचे रखनी पड़ती है, तो इसके बजाय ऊपर रखना शुरू कर दो तो आगे झुकने की जरूरत ना हो। ऐसी तरह भी हमें अपना वर्किंग स्टाइल मॉडिफाई करना चाहिए। अगर आप सोचो तो रिपोर्ट में सबसे पहले हम लोग करवाते हैं MRI, साथ में एक्सरे, और MRI भी पूरा MRI करवाते हैं ताकि हमें पता चले कि रीढ़ की हड्डी में कमर के साथ में ऊपर का भी नस का दबाव है कि नहीं है। और अगर अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करें, अच्छा डायग्नोसिस करें, तो पक्का रिजल्ट अच्छा मिलता है। सो स्पाइन सर्जरी के रिजल्ट के बारे में थोड़ी बात करें तो राइट टाइम, अगर दर्द तकलीफ डिसेबिलिटी बढ़ रही है तो सर्जरी जल्दी करवानी चाहिए। लेट करेंगे तो नस सूख जाएगी और नस सूखने के बाद हम सर्जरी करते हैं तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। राइट पेशेंट सिलेक्शन, क्योंकि कई बार नी ऑपरेशन करे, स्पाइन ऑपरेशन करे, या ऊपर की रीढ़ की हड्डी के साथ में करे, नीचे की काम करे, तो वो सब बहुत जरूरी है कि राइट ट्रीटमेंट, राइट पेशेंट। कई बार पेशेंट साइकोलॉजिकली काफी अच्छे नहीं होते हैं तो उनको भी रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। कई बार डायग्नोसिस अच्छा नहीं हुआ, कई बार खून अच्छा नहीं जा रहा है, तो भी उसमें भी हमें खून के बारे में जांच करनी चाहिए, जिसको कहते हैं हम लोग वास्कुलर प्रॉब्लम, वास्कुलर क्लॉडिकेशन, तो वो भी जांच करना चाहिए। और हमारे राइट ऑपरेशन के लिए अब आएंगे हमारे डॉक्टर देवानंद साहब, वो आपसे बात करेंगे कौन सा ऑपरेशन करना चाहिए।
और ऑपरेशन के बाद में भूलना नहीं, प्लीज एक्सरसाइज रेगुलर करना, डॉक्टर को रेगुलर बताना और आपका प्रॉब्लम पक्का बताइएगा ताकि आपको रिजल्ट सबसे हम अच्छा दे सके. थैंक यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग. थैंक यू. सो लेट्स गो फॉर द सर्जिकल ट्रीटमेंट एंड लेट्स डाइव टुगेदर. गुड इवनिंग, मेरा नाम डॉक्टर देवानंद है. मैं लंबर स्टेनोसिस ये कंडीशन का जो सर्जिकल ऑप्शंस है मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ. तो ब्रॉडली देखे जाए ये लंबर स्टेनोसिस का जो ट्रीटमेंट होता है सर्जरी के हिसाब से दो तरह से होता है. एक है डिकम्प्रेशन जिसमें हम नस के लिए जगह बनाते हैं और इसका सर्जरी का नाम होता है डिकम्प्रेसिव लैमिनेक्टमी. और दूसरा ऑपरेशन होता है फ्यूजन सर्जरी जिसमें हम स्क्रू डाल के ऑपरेशन करते हैं. तो ये जो सर्जरीज है मैं आपको थोड़े एग्जाम्पल देता हूँ जैसे कि हमारे पास पेशेंट्स कैसे आते हैं, हम कैसे ट्रीट करते हैं, एग्जाम्पल्स के हिसाब से मैं आपको समझाना चाहता हूँ. तो ये पहला पेशेंट था जो हमारे पास आया था कमर दर्द और पाँव में दर्द के साथ. उनका एक्सरे आप देखेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल है और एमआरआई देखेंगे तो एमआरआई में डिस्क का प्रॉब्लम है. जो अल्फा S1 के बीच में डिस्क होता है वो बाहर आ गया है और नस के ऊपर दब रही है. इसके हिसाब से नस के लिए जो जगह है वो कमी हो गया है और पेशेंट को कमर दर्द के साथ पाँव में भी दर्द है. तो ऐसे पेशेंट्स को हम जो सर्जरी करते हैं उसको हम फ्यूजन सर्जरी बोलते हैं. आप यहाँ देख सकते हैं ये ऑपरेशन के दरमियान हमने लिया हुआ इमेज है जिसमें हम स्क्रू डाले हुए हैं दोनों मनके में. L4 और L5 के बीच में जो हड्डी है उस पर हमने स्क्रू डाला हुआ है और नस के लिए जगह बनाया गया है. जो बीच में आपको वाइट कलर में दिख रहा है वो नस है और नस के बाजू में जो जगह बनाया हुआ है उसमें से हमने जो गादी बाहर आ गई थी वो पूरा गादी को हमने निकाल के नया गादी जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं कि पिंजरा डालते हैं या केज डालते हैं. तो ये ऑपरेशन में हम स्क्रू डाले हुए हैं, 4 स्क्रू, 2 रॉड और नस के लिए जगह बना के और जो भी गादी के हिसाब से प्रॉब्लम हो रहा था वो गादी हमने निकाल के दूसरा गादी लगाया हुआ है. तो ये सर्जरी को हम बोलते हैं ओपन टीलिप. और दूसरा दर्दी आप देख सकते हैं बहुत कम उम्र के हैं, 28 इयर्स के, बहुत सिग्निफिकेंट कमर दर्द के साथ आ रहे थे. वो 3 साल से कमर का दर्द है, जितने भी मेडिसिन लिए कम नहीं हो रहा था और हार्डली 10 मिनट खड़े हो सकते हैं और बहुत कम कदम वो चल सकते हैं. और एक्सरे हम जब आगे और पीछे मूवमेंट करके फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक्सरेस जो बोलते हैं वो एक्सरेस में हमको दिखाया गया है कि L4 और L5 के बीच में जो सामान्य मूवमेंट होता है उससे भी ज़्यादा मूवमेंट हो रहा था जिसकी वजह से ये पेशेंट को नस बंद हो रहा था. तो आप यहाँ MRI में देख सकते हैं कि जो वाइट नस दिख रहा है वो नस एक जगह में बिल्कुल बंद हो गया है. तो ये नस की जगह हमको बनाना है ये ऑपरेशन में, तो इसके लिए हम लैमिनेक्टमी करना चाहिए. और उसके साथ जो L4 और L5 के बीच में जो मूवमेंट हो रहा है, नॉर्मल से अधिक मूवमेंट हो रहा है, वो मूवमेंट को हमको रोकना है. इसके लिए हम स्क्रू डालने की ज़रूरत पड़ती है. तो ये पेशेंट बहुत कम उम्र के हैं इसलिए हम ओपन टीलिप नहीं करना चाहते थे. तो हमने हमारे पास जो साधन है वो हम ताकि इंट्रा ऑपरेटिव सीटी स्कैन और नेविगेशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है ये सर्जरी में, जो हमको निर्देश देता है कि जो भी ऑपरेशन हम इतना ओपन करके स्क्रू डालते हैं वो हम छोटे दूरबीन से देख के बहुत छोटे इंसिशन से ये सर्जरी हो जाता है. और ये स्टेप्स है ऑपरेशन में जो हम करते हैं, बहुत छोटा सा ट्यूब डाल के अंदर जाके जो भी गादी है उसको निकाल के हम स्क्रू डाल के इसे सर्जरी करते हैं जिसमें पेशेंट को
बहुत छोटे इंसिशन, ताकि बहुत काटना ना पड़े, बहुत छोटे इंसिशन से यही सर्जरी हम कर सकते हैं। ये सर्जरी से इतना बेनिफिट है कि पेशेंट को बहुत ऑपरेशन के बाद वही सेम रिजल्ट मिलेगा, मगर उनका जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन होगा वो बहुत कम होगा। और सेम डे पेशेंट को अगर सुबह ऑपरेशन होता है तो शाम को ही हम चला सकते हैं, या दूसरे दिन उनको चला के घर भी भेज सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम MISS टीलिफ, ताकि मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी, जो हमारे यहाँ बहुत रेगुलरली हम करते हैं। ये वीडियो में आप देख सकते हैं हम जिस तरह से, एक इलस्ट्रेटिव वीडियो है जिसमें हम नस के लिए जगह बनाते हैं, ये यहाँ दिखाया गया है। वो जो हड्डी है उसको थोड़ा काटते हैं और नस के लिए जगह बनाते हैं, और उसको बाजू हटा के जो भी गादी है उसको हम निकाल देते हैं, ताकि नस के लिए जगह बने और पेशेंट का दर्द कम हो जाए। सेम ऐसे ही एक पेशेंट थे जिसको कमर का दर्द था बहुत सालों से, और दोनों पाँव में दुखा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नस के लिए दोनों जगह से बंद था, और हार्डली एक दो कदम, दैट मीन्स 5 मिनट भी नहीं चल सकते थे। तो ऐसे पेशेंट को भी हमको सर्जरी करना पड़ता है जो स्टेनोसिस के हिसाब से, और ऐसे ओपन करके स्क्रू डालने के साथ पिंजरा डालते हैं और नस के लिए जगह बनाते हैं। और कभी कभी पेशेंट आते हैं जो नॉर्मल MRI के साथ, नॉर्मल MRI में कभी आप ये ब्लू एरो में देख सकते हैं कि नस कम्प्लीटली नॉर्मल दिखता है, मगर फिर भी पेशेंट को चलने के टाइम पे या खड़े होने के टाइम पे 5-10 मिनट से ज़्यादा वो नॉर्मल अपने प्रवृत्ति नहीं कर सकते हैं। तो हम ऐसे केसेस में स्ट्रेस MRI करते हैं। स्ट्रेस MRI में हमको पता चल जाता है कि जब आप स्ट्रेस, दैट मीन्स आप बैठते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं, जब नस के लिए जगह जितना चाहिए काम करते करने की दरमियान वो नस के लिए जगह कम हो जाता है। तो ये स्ट्रेस MRI में हमको पता चल जाता है कि नस के लिए जगह कम हो रही है जब पेशेंट चलने चाहता है या खड़े होना चाहता है। और ऐसे पेशेंट्स को हम लैमिनेक्टमी करते हैं, ताकि ये पेशेंट्स को स्क्रू डालने की ज़रूरत नहीं होता है और नस के लिए जगह बनाना होता है। ये हम अलग अलग मोड्स तरह के ऑपरेशंस हैं जिसमें हम बीच का कंप्लीट हड्डी जो है वो निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं वाइड लैमिनेक्टमी। और कभी बीच का जो हड्डी है वो स्टेबिलिटी के लिए हम ऐसे ही रख के दोनों तरफ से, मिड लाइन के दोनों तरफ से नस के लिए जगह बनाने के लिए जो भी हड्डी छोटा सा निकालते हैं उसको बोलते हैं बायलेटरल फेनिस्ट्रेशन। ये सर्जरी में पेशेंट को दर्द और कम रहता है। और कभी कभी हम माइक्रोस्कोप के यूज़ करके छोटा सा ट्यूब में, जो मैं दिखाने वाला हूँ, वो ट्यूब डाल के एक ही साइड से छोटा सा छीरा से अंदर जाके जो नस के लिए जगह बनाना है वो भी हम बना सकते हैं। इसको बोलते हैं यूनिलेटरल फेनिस्ट्रेशन। अब यहाँ देख सकते हैं हम माइक्रोस्कोप के कैसे इस्तेमाल करते हैं, और बहुत छोटा सा इंसिशन आप देख सकते हैं, हार्डली 3-4 सेंटीमीटर के इंसिशन से ऐसे हम ट्यूब लगाते हैं, और एग्जैक्टली वो एरिया पे जहाँ पे हमको नस की जगह बनाना है वो एरिया में जाके हम वो इतना ही छोटा इंसिशन से जो भी अंदर का नस की जगह बनाने की प्रक्रिया है वो हम माइक्रोस्कोप के दूरबीन के साथ करेंगे। और उम्र के साथ जो स्टेनोसिस होता है वो कभी कभी हमारे कमर को टेढ़ा करता है। जैसे आप यहाँ एक्सरे में देख सकते हैं कि कमर धीरे धीरे से टेढ़ा हो रहा है और वो बेंड आता है, जैसे कि घुटने में, सर ने बताया है कि घुटने में जिस तरह से बेंड होता है वैसे ही कमर में भी बेंड हो सकता है उम्र के साथ। और वो बेंड होने के रिजल्ट क्या होता है कि एक तरफ नस के लिए जगह कम हो जाता है और दूसरे तरफ ज़्यादा। तो जिस तरफ नस की दबाव हो रही है उस तरफ पेशेंट को पेन पाँव में आ सकता है। सो ऐसे केसेस में हमको थोड़ा लंबी सर्जरी करना पड़ता है, और ऐसे मल्टीपल स्क्रूज, मल्टी लेवल फिक्सेशन, और उसके साथ नस के लिए जगह बनाना ज़रूरी पड़ता है। ये बहुत उम्र के साथ जो पेशेंट्स को होता है, बहुत काफ़ी लोगों को ऐसे हम पेशेंट को देखते हैं, मगर बहुत कम लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा लंबा सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है।
और कभी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो उम्र वाले हैं, बहुत मल्टीपल जगह में नस के लिए जगह कम होता है, मगर उनका कमर सीधा ही रहता है और टेढ़ा नहीं रहता है, और हम जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन डायनेमिक एक्सरसाइज करते हैं उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है, तो ये पेशेंट्स को हम ओनली लैमिनेक्टमी स्क्रू डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे नहीं है कि हर एक उम्र के लोगों को हम स्क्रू डाल के ऑपरेशन करते हैं, नहीं, पेशेंट के हिसाब से, केस के हिसाब से, एक्सरे और एमआरआई के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा सर्जरी करना है। जैसे कि ये पेशेंट को हमने ओनली लैमिनेक्टमी किया है और नस के लिए जगह बनाया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हम दो तीन जगह में खोले हैं, थोड़ा बड़ा इंसिशन है, और ये जो वाइट दिख रहा है आपको वो सब नस है जो अभी फ्री हो गया है, और पेशेंट को पाँव में जो दर्द है, चलने की जो तकलीफ है वो दूर हो गई है। ये पेशेंट थी जिसमें हमने ओनली लैमिनेक्टमी किए हैं, इसमें स्क्रू डालने की ज़रूरत नहीं थी, तो ये पेशेंट्स को भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलती है और दूसरे दिन वो खड़े होकर चल सकते हैं। हम ये पेशेंट्स को कमर के बेल्ट देते हैं 1 से 2 महीने के लिए, ताकि वो स्टेबल रहे और तकलीफ ना हो। थैंक यू। नमस्कार, हेलो, आज हम स्तव्य स्पाइन वेबिनार के अंतर्गत में स्पाइन के ट्रीटमेंट के रिलेटेड उसके तथ्य और उसकी मिथ्याओं के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे गैर मान्यताएं हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है। कमर और गर्दन के दर्द की वजह से पैरालिसिस हो जाता है एक बहुत बड़ी मिथ्या है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बड़ा बीमारी है ही नहीं। 80% जो लोग हैं उनको कमर के दुखाव, गर्दन के दुखाव होते हैं नॉर्मल लोगों को जीवन काल में, और वो मिट भी जाते हैं, ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं, और ज़्यादातर कारण जो होता है वो मांसपेशियों की कमजोरी, कोई खिंचाव, कुछ एक्सरसाइज के अभाव, अपने शरीर की देखरेख न रख पाने की वजह से, या कभी कभी साइकोलॉजिकल चीज़ों के बारे कारण भी कमर के गर्दन के दुखाव होते हैं। ये बड़े रोग नहीं हैं। जो मेरा प्रेजेंटेशन है, इस प्रेजेंटेशन में जो लिखा हुआ आएगा वो अंग्रेजी में लिखा हुआ आएगा, मैं जो बोलूँगा वो हिंदी में बोलूँगा, आप लोग दोनों तरह से समझ सकें इसके लिए ये व्यवस्था की है, इसलिए चिंता ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और कभी भी कमर या गर्दन से हुई परेशानी की वजह से कभी पूर्ण लकवा होने की संभावना मात्र 0.1% है, ये बहुत कम कहलाता है, और इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पैरालिसिस के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन छोटे छोटे रोगों के लिए भी लोग इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि नए नए अलग अलग तरीके के उसके सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करते हैं। नए तरह के बेड्स हैं, कुर्सियां हैं, इंटरनेट में तो सब कुछ आजकल मिलता है, और सब चीज़ देख के अपने को यही लगता है कि यही चीज़ से मेरा कमर का और गर्दन का दुखाव मिट सकेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कमर को देखें, गर्दन को देखें, आपके लिए आराम, सिर्फ कुर्सी पे बैठना ही एक गलत चीज़ है, और ये एक जो हम करते हैं कि बिल्कुल एक्टिविटी नहीं हो, मतलब बिल्कुल शारीरिक कोई एक्टिविटी नहीं हो, उससे परेशानी ही खड़ी होने वाली है। तो हम गतिशील रहने चाहिए, वो अपने लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम किस तरह से बैठते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं मोबाइल के यूज़ में, या फिर हम पढ़ने के लिए भी उसके तरीके हैं, उन तरीकों का मान्य करना चाहिए। हम गाड़ी चलाने के तरीके में उसमें बैठने तक के लिए नियम बने हुए हैं, और इसी को अर्गोमोनिक्स कहा जाता है, और इसी को श्रम दक्षता शास्त्र कहा जाता है, किस तरह से अपने शरीर के देखरेख करनी है। और ये इसी का निष्कर्ष ये निकलता है कि अलग और यूनिक सॉल्यूशंस ऐसे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सामान्य चीज़ें हैं जिससे अपने कमर और गर्दन के दुखावों को मिटाया जाता है। झंझनाहट होना, खिंचाव होना, मुंगी चढ़ना पाँव में, हाथ में, ये सब बड़े प्रॉब्लम है क्या, ये पैरालिसिस है क्या, ये चीज़ बहुत ही कंफ्यूजिंग है। लोग दौड़ते दौड़ते हमारे ओपीडी में आते हैं, और ये बिल्कुल गलत है। कभी भी नस का कोई दबान होता है तो उसके शुरुआती स्टेज में झंझनाहट आती है, या फिर जिसको बहुत बड़ा दबान हुआ, कोई नुकसान हुआ, कोई ऑपरेशन हो गया, उसके बाद में जो शेष रह गया बात होता है, जैसे कभी ऑपरेशन के बाद में भी हो, कभी कभी कुछ भाग झंझनाहट के सब रह जाते होते हैं, वो
नमनस या मूंगी बोलते हैं, और ये होता है न्यूरोपैथिक, जैसे डायबिटीज जैसे रोग में न्यूरोपैथी होती है, नसें अंदर से सूखती है, उसकी वजह से ये न्यूरोपैथी की वजह से वो झंझनाहट मूंगी चढ़ती है। वहाँ पे कोई भी परेशानी और नहीं है, कोई नस कमज़ोर हो जाने वाली नहीं है। B12 एक और परेशानी है जो खाने पीने में शाकाहारी लोगों के आहार में कमी की वजह से ये परेशानी होती है, मांसाहारियों को ये कम होता है, और वो साधारण दवा से ही ये मूंगी चढ़नी बंद हो जाती है। तो मूंगी चढ़ना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी हो सकती है, लेकिन मूंगी चढ़े तो एक बार अपने नज़दीक के डॉक्टर को बताना ज़रूरी है, और वो ज़रूरी नहीं है कि आप स्पाइन सर्जन को बताएं, आपके साधारण डॉक्टर भी आपको ये चीज़ का जवाब दे सकते हैं। कमर का दुखाव का सबसे बड़ा परेशानी का भाग बहनजियों को होता है पुरुषों के मुकाबले, ये सत्य है। आज साइंस और टेक्नोलॉजी और जो शोध है वो भी ये कह रहा है कि एक ही टाइप की सर्जरी कमर में होती है बहनजियों की और भाइयों की, तो भी जो आउटकम है वो आउटकम बहनजियों के मुताबिक और भाइयों के मुताबिक अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो बहनजियों को कम फ़ायदा हुआ है, ऐसे बहनजी कहेंगे। लेकिन डॉक्टरी एग्जामिनेशन में और उसकी मापदंड में, उसके आउटकम मेजर्स जो होते हैं उसके हिसाब से बहनजियों का भी आउटकम उतना ही अच्छा है जो पुरुषों का है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है बहनजियों का, बहनों का, उनके शारीरिक और मानसिक रचना की। भगवान ने हमको अलग बनाया है, बहनजी लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और ये सेंसिटिविटी की वजह से शेष रह गए चीज़ों को उनको एक्सेप्ट करने में परेशानी होती है, इसलिए वो इसको अब्जेश बोलते हैं या उसमें इतना अच्छा नहीं है कि मुझे अभी भी खिंचाव है, मुझे अभी भी परेशानी है, ऐसे परेशानियों के साथ हमारे पास भी आते हैं और खुद भी परेशानी होती है। इसका सोल्यूशन है मानसिक रूप से और स्ट्रांग होना। यही एक चीज़ है, भगवान ने हर तरह से भगवान ने बहनों को बहुत स्ट्रांग बनाया है, फीमेल्स को बहुत स्ट्रांग बनाया है, जेनेटिक्स से, सब चीज़ों से, लेकिन ये जो भावनात्मक बात है जो उनकी उनका स्ट्रेंथ भी है और उसी तरह से ये उनका वीकनेस भी कुछ बन जाता है जिसमें अपने को आभास कराता है, और ये झंझनाहटी और खिंचाव सबके आभास बहनों को ज़्यादा रहता है। कभी भी हो आराम करने से अपने कमर और गर्दन के प्रॉब्लम्स मिट जाते हैं, ये मिथ्या है, ये तथ्य नहीं है। साधारणतः काम सब कुछ चालू रखना है, अपने को अपने से बन पड़ता है, वो सब एक्टिविटीज़ करनी है, लेकिन अपने माप में अपने दुखाव को न्याय करते हुए अपनी एक्टिविटी करनी है। संपूर्ण बेड रेस्ट पर कोई हड्डी के टूटने के अलावा की स्थिति में कभी भी डॉक्टरी रीत से उसकी सलाह नहीं दी जाती है। काफ़ी लोगों का तो मानना ऐसा भी है कि कमर का दुखाव जो होता है उनको सीजरियन का जो ऑपरेशन किया था उसमें कमर की सुई जो लगी थी उसके बाद है, ये गलत है, ये नहीं है। प्रेगनेंसी के टाइम में जो हम वजन बढ़ाते हैं वो वजन की मात्रा 11 से 13 किलो के बीच में साइंटिफिक रीत से होना चाहिए, लेकिन अपने यहाँ के नियम और अपने समाज का जो नियम है उसके हिसाब से लड़की अपने घर वापस जाती है, वहाँ पे उसका लालन पोषण ज़्यादा होता है, ध्यान रखा जाता है, और उसमें हर प्रेगनेंसी में बहनजियाँ ज़्यादा वजन पुट ऑन करती है और कसरत का अभाव हो जाता है। इस संजोगों में मांसपेशियां और ज़्यादा वीक होती है, और ये जो वजन जो गेन किया है वो जीवन भर शरीर के साथ चलता है। यहीं पे बहनजियों को समझना है प्रेगनेंसी के दरमियान में करने वाली अलग तरह की कसरतें हैं जिसको नियमित करने की ज़रूरत है। उसी तरह से अनअपेक्षित वजन को बढ़ाना अपने शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए वो चीज़ नहीं करना है। सो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन की वजह से कमर का दुखाव नहीं है, ये गैर मान्यता है। अभी तो और चीज़ें नया लोगों को जागरूकता आ गई है कि नहीं, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, जुम्बा डांस करेंगे, एरोबिक्स करेंगे, लाफ्टर क्लब ज्वाइन करेंगे तो आपके कमर का दुखाव, गर्दन का दुखाव सब चला ही जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझने लायक बात है कि ये लोग जो कसरत कर रहे हैं ये सब आप देख के नहीं कर सकते हैं, इन लोगों ने बचपन से एक आदत डाली है, एक प्रैक्टिस की है, जो रामदेव बाबा कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते हो, वो उनकी प्रैक्टिस है, उसकी वजह से है। तो टीवी में, योगा में, एरोबिक्स सब में जो दिखाया जाता है कसरत, उसको करके अपने लिए नई परेशानी नहीं खड़ी करनी है, अपने डॉक्टर के सलाह के हिसाब से माप में और उम्र को न्याय देना है। हमारे तो यहाँ पे कितनी बार होता है कि कोई
कसरत के शिविर में जाने के बाद में दर्दियों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि उन्होंने पहली बार कसरत इतने सालों में एक बार की हो तो नया परेशानी खड़ा ही होने वाला है। तो ये चीज़ों को समझ के ही अपने को नीति नियम में छोटे उम्र से कसरत डाल अपने अपने नीति नियम में डालते जाते हैं तो वो अपने को फायदाजनक होता है। लेकिन ज़्यादा कसरत या 45-50-60 उम्र के बाद में नई कसरतों की शुरुआत बिल्कुल गंभीर रीत से परेशानियां खड़ी कर सकती है। वजन का बढ़ना दवाइयों के लेने की वजह से, काफी लोग बोलते हैं वजन बढ़ता है, कोई भी दवाई से वजन नहीं बढ़ता है, लेकिन कुछ दवाओं के साथ में शरीर में पानी की मात्रा इकट्ठी होती है। पानी ये एक वजह है जिसकी वजह से हमको आभास होता है कि वजन बढ़ा है। दूसरी एक और चीज, हमारे शरीर के दुखाव या कुछ रोग की वजह से लोगों का आराम करने का मात्रा बढ़ जाता है और आहार जो है उसी तरह से रहता है या उससे भी बढ़ जाता है, क्योंकि घर पे सब लोग सलाह देते हैं ये खाओ वो खाओ ऐसा खाओ इससे आपको मिट जाएगा, तो आपका आहार का लेने की मात्रा बढ़ जाती है, वो कारण है वजन बढ़ने का, आपका साधारण दवाओं से नहीं बढ़ता है वजन। खूंद, आपको याद हो तो अपनी कुब्जा है जो कृष्ण ने सीधा किया था उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऐसे जो रोग होते हैं उसमें दर्दी हमारे पास 15-20 साल की उम्र में पहुंचता है। मान्यता ऐसा है कि इसका तो इलाज ही लेट उम्र में होना चाहिए। जैसे कि एक ये मैं फैमिली बता रहा हूँ, एक फैमिली है, मदर है जो बीच में खड़ी है और उसके दोनों साइड में कुब्जा वाले बच्चे ही खड़े हैं। एक की उम्र जो है कम तिरछी है, उसकी उम्र जो है वो उम्र सिर्फ 12 साल 11 साल है और ये दूसरी पूरी तरह से टेढ़ी हुई है, उसकी उम्र 25 साल है। 25 साल वाले का उम्र टाइम पे ना कराने के वजह से उसकी कुब्जाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, और कम कुब्जाई वाली लड़की का मैंने ऑपरेशन किया, उसको सीधा किया, वो अभी तक ठीक है। इसके ऑपरेशन के अभी ऑलरेडी 6-7 साल हो गए हैं, राजस्थान की एक फैमिली थी, तो इस तरह से तो वो अच्छी हो गई। ये छोटी बच्ची के अच्छे होने के बाद इनकी मदर ने बोला कि ये बड़े को सीधा कर सकते हो क्या, तो मैंने उस समय स्थिर ना बोल दिया, एकदम बिल्कुल ना बोल दिया। कारण क्या है कि इनको मैं सीधा करने के लिए जाऊं तो उसमें ऑपरेशन के जोखिम बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी 25 साल के ऊपर की उम्र की उनकी हो चुकी है और वो इतना ज़्यादा कुरूपे उनके कमर हो चुका है कि उसको सीधा करने से भी वो पूर्ण सीधा नहीं हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि टाइमली आप डॉक्टरी ओपिनियन ले सकें। जैसे कि ये वाले हैं, ये कमर पूरा का पूरा मुड़ा हुआ है, आपके लेफ्ट साइड में देखोगे तो पूरी कमर मुड़ी हुई है। बच्चे का फोटो देखो, ऑपरेशन से पहले देखो लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आप देखो तो कमर पूरी सीधी हो गई। तो ये सब ऑपरेशन का जश मिलता है, फायदा मिलता है, लेकिन टाइमली आपको डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी है। पैनिक करके एकदम से लास्ट मोमेंट में दौड़ के जाके ऑपरेशन के लिए या इलाज के लिए ज़्यादा अपेक्षा रखना गलत बात है। इसी तरह से एक गैर मान्यता है कि कमर की सर्जरियाँ सिर्फ न्यूरोसर्जन्स को करना चाहिए, इसमें बात से हम सहमत नहीं है। न्यूरोसर्जन भी कमर के ऑपरेशन कर सकते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी कमर के ऑपरेशन कर सकते हैं, दोनों की ट्रेनिंग में काफ़ी अंतर है। हमारा जो ऑपरेशन करने का जो ट्रेनिंग है वो हड्डियों से रिलेटेड है, गद्दियों से रिलेटेड है और स्थिरता से रिलेटेड है, और हमारे को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की रिकग्निशन है कि हम ये सब सर्जरियाँ कर सकते हैं। उसी तरह से इस कमर के अंदर से जाने वाली जो नसें हैं, जो वायरिंग है, वो नसों को काट के करने के ऑपरेशंस में न्यूरोसर्जन्स की निपुणता ज़्यादा है, और ट्यूमर्स में इन्फेक्शंस में उनका ऑपरेशन करने का तरीका और उनकी निपुणता ज़्यादा होती है। उसी तरह से ब्रेन की सर्जरी भी वही करते हैं। तो स्पाइन सर्जरी में दोनों ऑपरेशन आते हैं, मड़कों के गद्दियों के ऑपरेशन भी आती है और नसों के ऑपरेशन भी आते हैं। नसों के ऑपरेशन में न्यूरोसर्जन ज़्यादा निपुण है, इसीलिए एक स्पाइन सर्जन न्यूरोसर्जन और ऑर्थोसर्जन दोनों के मिश्रण से बना हुआ होना चाहिए। स्तव्य ही एक हॉस्पिटल है जहाँ पे ऑर्थोपेडिक सर्जन स्पाइन सर्जन सब साथ में काम करते हैं, और हमारे स्पाइन सर्जन हमारे हम लोग सब स्पाइन सर्जन हैं, साथ में हमारा न्यूरोसर्जन भी हमारे साथ में होते हैं। जब कभी नस को काट के ऑपरेशन करने की जरूरत होती है उनकी हाजिरी रहती है। तो इस तरह से ये एक टीम वर्क है। स्पाइन की फिजियोथेरेपी, हार्डवेयर के साथ ट्रीटमेंट, तांत्रिक विद्याओं से ट्रीटमेंट, ये सब भी लोग कराते हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। फिजियोथेरेपी डॉक्टरी सलाह के बाद बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन कुछ रोगों के लिए फिजियोथेरेपी करने से भी रोग बढ़ जाता है, हार्डवेयर के ट्रीटमेंट करने से भी बढ़ जाता है। इसीलिए पहले आपके स्पाइन के डॉक्टर को मिलिए, उसके बाद
फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए और हार्डवेद का ट्रीटमेंट बिल्कुल उसको खंडित करिए। स्क्रू प्लेट जो शरीर में लगाने की जरूरत पड़ती है कमर के ऑपरेशन में, ये नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। कभी लगाने की जब जरूरत पड़ती है तो लगाना ही पड़ता है। जब कमर की अस्थिरता कोई इन्फेक्शन, हड्डी के टूटने की वजह से, या उम्र के घसारे, या जो खूंद है जो कुब्जा जैसा कमर कर देता है, उन केसेस में हमको स्क्रू प्लेट लगाना पड़ता है और उससे फायदा ज्यादा होता है, तभी उसको लगाया जाता है। जो स्क्रू लगाए जाते हैं उसको रिमूव करने की जरूरत, निकालने की जरूरत नहीं होती है। काफी लोग बोलते हैं कि निकालना है क्या, नहीं, इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही कम संजोगों में इसको निकाला जाता है। ये स्क्रू प्लेट के साथ एमआरआई नहीं हो सकती है, ये एक अलग मिथ्या है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की तारीख में सारे सर्जरीज जो होते हैं वो टाइटेनियम इम्प्लांट के साथ में होता है और वो एमआरआई कंपैटिबल होता है, उसमें वापस एमआरआई में डाला जा सकता है, इसीलिए वो चिंता दिमाग में से निकाल देना जरूरी है। कमर की सर्जरी के बाद, एक सर्जरी के बाद दूसरी सर्जरी, दूसरी के बाद तीसरी आने के बहुत चांसेस है और उसमें 100% फर्क नहीं पड़ता है, इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। ना किस लिए है, ना इसलिए है क्योंकि कमर का जिस भाग का ऑपरेशन होता है वही भाग वापस परेशान कर सके उसकी संभावनाएं कम होती हैं, खास करके जब स्क्रू प्लेट सब लगाया जाता है उस भाग में से परेशानी और वापस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन जहां स्क्रू प्लेट सब नहीं लगाए गए हैं या फिर वापस शरीर के उस भाग में जहां पे घसारा और उम्र और बढ़ते जाने वाला है, जिसका ऑपरेशन हमने नहीं किया है, वो सब जगह पे वापस गद्दी का खिसकना हो सकता है। घसारा उम्र की वजह से चलते ही रहने वाला है, हड्डियां उम्र के साथ कमजोर होते ही रहने वाली है, और यही चीज लोग समझते नहीं है कि कमर का ऑपरेशन मतलब गद्दियां, काफ़ी सारी गद्दियां हैं, काफ़ी सारे मड़के हैं, उनमें से किन मड़के का ऑपरेशन हो चुका है वो लोगों को नहीं पता है, और इसमें ही वो समझते हैं कि वापस कमर का ऑपरेशन आ गया। और इसमें जवाबदारी बहुत कुछ हमारे खुद के ऊपर होता है और खुद ध्यान रखें तो ये रोग ना बढ़े। कमर की सर्जरी करने से लकवा हो जाता है, ये एक और गलत मान्यता है और बहुत लोग ऐसा मानते हैं और ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कोई एक प्लेन के एक्सीडेंट होने की चांसेस जो होते हैं वो जब 10,000 फ्लाइट या 20,000 फ्लाइट चलती हैं तब जाके एक एक्सीडेंट आप देखते हो। अभी कोचिन में एक्सीडेंट हुआ, निर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन ये ऐसा ही कमर का ऑपरेशन है। कोई ऑपरेशन में नस कट जाएगा तो ये ऑपरेशन कभी होता ही नहीं, लेकिन लकवे के रोग होते हैं जिसमें रिकवरी ऑपरेशन करने के बावजूद नहीं आते हैं, वो दर्दियों की वजह से या फिर हड्डी के टूटने की वजह से कभी लकवा हो गया हो और उसकी स्थिरता के लिए ऑपरेशन किया गया हो, जिसमें दर्दी को हमने ऑलरेडी कह दिया होता है कि आपकी नस रिकवर नहीं होगी, आपके स्थिरता के लिए और बिठाने के लिए और रिहैबिलिटेशन के लिए आपका ऑपरेशन किया जा रहा है, उस दर्दी में पांव की रिकवरी अपेक्षित नहीं है। ऐसे दर्दियों में काफ़ी टाइम क्या होता है, दर्दी को जब लोग मिलने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, मेरा तो कमर का ऑपरेशन हुआ और रिकवर हुआ ही नहीं। लेकिन उसमें रिकवरी होनी ही नहीं थी और उसमें ऑपरेशन करने का कारण ही कुछ और था। तो दर्दी की असमझ की वजह से या उनको मिलने वालों के असमझ की वजह से ऐसी मिथ्याएं बहुत फैल जाती हैं। बहुत ही कम रोग ऐसे होते हैं जिसके ऑपरेशन के बाद लकवा हो जाए, ऐसा बहुत कम परसेंटेजेस दर्दी में होता है। और अब की टेक्नोलॉजीज इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि उसमें पैरालिसिस होने के चांसेस ना बराबर है। जैसे कि हमारा ये मिजोनिक्स इंस्ट्रूमेंट है, ये स्तव्य के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे मिजोनिक्स है उससे इतना प्रिसाइज, इतना ज्यादा एकदम स्पेसिफिक रह के हम हड्डियों को काट सकते हैं कि नस को नुकसान नहीं आता है। और उसी तरह से ये जो आपने ओ आकार इंस्ट्रूमेंट देखा है, ये जो मशीन देखी है, ये ओ आर्म है, ये ऑपरेशन के दरमियान में सीटी स्कैन की मशीन देखी जा सकती है। ऐसा मशीन है जो हमारे स्तव्य में दो मशीनें हैं और इसमें जितना प्रिसाइज और जितना करेक्ट तरह से कोई स्क्रू को डाला जा सकता है वैसा कोई भी कहीं पर भी नहीं डाल सकते हैं। और ये दोनों मशीनें गुजरात में सिर्फ हमारे हॉस्पिटल में है और इसका भरपूर फायदा हमारे दर्दियों को ऑपरेशन के फायदे के रूप में भी मिलता है।
और इसी तरह से ये जो मशीनें हैं जो दिखा रहे हैं आपके लेफ्ट साइड में, वो है न्यूरो मॉनिटरिंग मशीनें, जिसको बोलते हैं हम नस के ECG। वो मशीनों से नस को कोई भी नुकसान हो रहा है, होने से पहले वो हमको आगाह कर देता है, और उस तरह से करने वाले सर्जरियों में और ज़्यादा ध्यानपूर्वक करने के लिए वो हमको करेक्ट कर देता है। ये सब आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी है जो स्तव्य के रिजल्ट को और ज़्यादा मजबूत कर रहा है, स्पाइन सर्जरी के रिजल्ट्स को और ज़्यादा अच्छा दे रहा है। स्पाइन के ऑपरेशन के बाद में रिकवरी का टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ये एक और गैर मान्यता है जो है, और ये बिल्कुल गलत है। काफ़ी सर्जरीज में, ज़्यादातर सर्जरीज में हम ऑपरेशन के दूसरे ही दिन दर्दी को खड़ा कर देते हैं। बाईपास की सर्जरी, कार्डियक सर्जरी की जाती थी उसी तरह से, वो कार्डियक सर्जरी 70 के दशक में जब तक था, तब तक सब कार्डियक सर्जरी ही ज़्यादा होती थी, लेकिन आपको पता हो तो एंजियोप्लास्टी के आ जाने के बाद में 60-70% कार्डियक बाईपास ओपन सर्जरियां बंद हो गई हैं, और एंजियोप्लास्टी सबको पता है कि आज दाखिल हुए उसी दिन छुट्टी मिल जाती है, इतनी छोटी वो प्रोसीजर है। इसी तरह से एंडोस्कोपिक सर्जरी भी स्पाइन में होती है, जिसमें बैंडेड जैसा पट्टी लगा के हम दर्दी को उसी दिन चलते हुए छुट्टी दे सकते हैं। इस तरह का ऑपरेशन भी आज की तारीख में पॉसिबल है, जिसमें एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है, और ये सब बहुत ही आधुनिक टाइप की सर्जरीज हैं। और क्या एंडोस्कोपिक सर्जरी ही होती है स्पाइन में? नहीं, आज की तारीख में भी स्पाइन हॉस्पिटल में भी या दूसरे अस्पताल में भी ओपन सर्जरी होती है, मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी होती है, माइक्रोस्कोप से भी हम सर्जरी करते हैं, हम एंडोस्कोप से भी सर्जरी करते हैं, सभी ऑपरेशन एंडोस्कोप से नहीं होता है, और जहाँ खोलने की जरूरत पड़ती है आज की तारीख में भी खोल के ही ऑपरेशन किया जाता है। स्टेम सेल थेरेपी एक और चीज़ है जिसके बारे में लोग बहुत डिमांड करते हैं, जिनको लकवा है या कुछ मिटाने के लिए कि नहीं भाई ये स्टेम सेल कर दो तो आपका सारा रोग मिट जाएगा, बिल्कुल मिथ्या है। स्टेम सेल आज की तारीख में भी सिर्फ शोध और रिसर्च के रूप में ट्रीट किया जाता है, वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो आज की तारीख में भी रिसर्च में ही है। आज भी ICMR ने ये बोला हुआ है, हमारे स्पाइन सोसाइटीज़ ने ये बोला हुआ है कि इलाज के लिए नहीं है, लोगों को इसमें पैसा खर्च करके कराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ रिसर्च में ही है। एंड डॉक्टर कैन क्योर योर ब्लैक एंड नेक प्रॉब्लम्स, नहीं ये गलत है, डॉक्टर नहीं क्योर कर रहा है, डॉक्टर सिर्फ सलाह दे रहा है, समझा रहा है, ये आप खुद समझ के आधी चीजों को मिटा रहे हो। ये सब मैसेज के साथ में मैं ऐसा मानता हूं कि आप जागृत हुए हैं अपने हेल्थ की तरफ, और आपको आपकी कमर की तरफ और ज़्यादा अच्छी तरह से आप ध्यान रख पाओ, और जब कभी सर्जरी की ज़रूरत पड़े, आज की तारीख में स्तव्य स्पाइन हॉस्पिटल में सर्जरियां होती है, बाकी भी जगह पे स्पाइन सर्जरियां होती है, ये सब सेफ स्पाइन सर्जरी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। Good evening, everybody. Thank you for the presentation given by Dr. Ajay and Dr. Devanand. There are a few questions which I would like to take over. एक प्रश्न ये है कि सारे पेशेंट जिसको स्टेनोसिस होता है तो क्या वो सबको सर्जरी की जरूरत होती है? तो डॉक्टर रवि, आप अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं। जी हाँ सर, गुड इवनिंग। तो जैसा कि हमने ये सारे प्रेजेंटेशंस में बहुत अच्छे से समझा, स्टेनोसिस एक एज रिलेटेड यानी कि उम्र से रिलेटेड तकलीफ है जो काफी लोगों को देखने को मिलती है। हम नॉर्मल लोगों का भी MRI कराएं, उसमें भी 30% यानी करीब करीब 30% लोगों में कुछ ना कुछ दिक्कत दिखेगी MRI में। तो स्टेनोसिस है, इसका मतलब ये नहीं है कि सर्जरी की जरूरत है, लेकिन हाँ, स्टेनोसिस के कारण नस के दबने के अगर संकेत मिल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ दर्द
या झंझनाटी या पैरों में कमजोरी, तब बिल्कुल सर्जरी की जरूरत है। थैंक यू, एंड दैट वाज अ प्रिसाइज आंसर, बहुत अच्छा। अजय भाई, आपके लिए ये प्रश्न है कि कैनाल स्टेनोसिस में क्या 100% रिकवरी होती है, क्या 100% रिलीफ होता है सिम्टम्स में? आप अनम्यूट है, शायद वॉइस नहीं आ रहा है आपका। सिम्टम्स, हेलो, हाँ हाँ, अब यू आर ऑडिबल नाउ, या लाइव। सिम्टम्स का किसी में भी फर्क पड़ना डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज तक पहुंच चुका है। नस के दबान के कोई भी सर्जरियों को करने की एक टाइम सीमा बहुत सालों के नेचुरल हिस्ट्री के स्टडीज से डिटरमाइन हुई हुई है। जिस तरह से कोई रोग है उसका ट्रीटमेंट में कितना फायदा हो सकता है और वो फायदा ऑपरेशन करने से कितना मिल सकता है, ये सब घने बहुत ही सालों के गहन रिसर्च के बाद में ये निकला है। जैसे कि गादी की सर्जरी है तो पहले एक से डेढ़ महीना दो महीना तक मैक्सिमम वेट करना चाहिए, तब तक में उसमें अनुकूल जश नहीं मिला है तो ऑपरेशन उसका जल्दी कर देना जरूरी होता है। उसी तरह से छह महीने के बाद गद्दी का ऑपरेशन करेंगे तो वो कम रिजल्ट अपने को देता है। इसी तरह से स्टेनोसिस की सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जिसमें जल्दबाजी सर्जरी की कम की जाती है और सर्जरी का आउटकम 3 से 6 महीने तक के वेटिंग पीरियड के बाद में ही अटेम्प्ट किया जाता है। कारण ये है कि काफी ज्यादा स्टेनोसिस के पेशेंट्स, जैसे भरत सर ने बताया आपको कि कमर का रिजर्व बहुत ज्यादा है, अब रिजर्व अपना काम कर सके और वो स्टेबल हो जाता है तो बहुत से ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें जिंदगी भर भी ऑपरेशन ना आए ऐसा बन सकता है। इसीलिए जो वेटिंग पीरियड है वो 3 से 6 महीने तक का वेटिंग पीरियड आ सकता है। थैंक यू, ये प्रश्न है डॉक्टर शिवानंद के लिए। पूछा गया है कि ये जो कैनाल स्टेनोसिस है जो हम बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल नैरो कैनाल, तो उसमें जीनेटिक्स का रोल कितना होता है और कब इमरजेंसी सर्जरी के लिए पेशेंट को बताना चाहिए? सर, जेनेटिक का रोल कुछ जेनेटिक कंडीशंस जैसे एकोंड्रोप्लेसिया उसमें होता है, और जो नॉन जेनेटिकल भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ लोगों में जो है बचपन में जो रीढ़ की हड्डी बढ़ती है तब भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल नैरो कैनाल हो सकता है। इनका एक इमरजेंसी होता है अगर उनको कोई पैर में कमजोरी आ जाए या पेशाब और संडास की जो प्रक्रिया होती है उसमें कोई तकलीफ हो जाए जो, तो उसमें उस समय में जो इमरजेंसी सर्जरी का जरूरत पड़ सकता है। थैंक यू, सो इमरजेंसी सर्जरी के लिए टट्टी पेशाब के लिए प्रॉब्लम होता है या वीकनेस होती है। यस, डॉक्टर देवानंद के लिए प्रश्न है ये कि हमारे जो स्टेबियम में, जैसे अजय भाई ने बताया, ओआम नेविगेशन है, तो किस कंडीशन में ये साधन का हमें उपयोग लंबर सर्जरी में करते हैं हम लोग? हाँ सर, जो हमारे पास ओआम नेविगेशन साधन है, ये दोनों मिलके हम जैसे स्क्रू का डायरेक्शन और उसका लेंथ और उसका डायमीटर हम पता कर सकते हैं, और ज़्यादातर हम मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज जहाँ पे हम बहुत छोटा छेका देके स्क्रू डालते हैं पेशेंट में, वहाँ पे हमको ब्लाइंड सर्जरी है ये, जिसमें हमको डायरेक्शन पता चलना चाहिए और ये ओएम और नेविगेशन हमको गाइड करेंगे कि कौन से दिशा में ये स्क्रू जा रहे हैं, और बहुत प्रिसिशन से परफेक्शन से ये सर्जरी किया जा सकता है ओएम और नेविगेशन में। तो बहुत सारे केसेस में हम मिनिमल इन्वेजिव जिसमें भी चूज करते हैं उसमें ओएम और नेविगेशन हम लंबा सर्जरी में यूज करते हैं। थैंक यू, आई थिंक द सेम क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन फॉर यू टू रिप्लाई, आपके लिए ही क्वेश्चन है कि ये जो सर्जरी स्पाइन सर्जरी करते हैं तो उसका कोई लाइफ स्पैन होता है? जैसे TKR करते हैं, टोटल नी रिप्लेसमेंट, उसमें बोलते हैं कि 10 साल के बाद दोबारा जरूरत पड़ती है, तो ऐसी तरह स्पाइन सर्जरी में क्या कोई है कोई टाइम ड्यूरेशन लाइफ स्पैन? हाँ सर, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसमें जैसे कि TKR का लाइफ स्पैन होता है वो 10 साल 15 साल अभी तक प्रूव हुआ है। हमारे स्पाइन सर्जरी में जहाँ हम
पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि आपको ये जगह में ऑपरेशन ज़रूरी है, वो जगह में हमको दूसरी दोबारी जब फ्यूजन करते हैं तो दोबारा वही जगह में ऑपरेशन करने की ज़रूरत लाइफ टाइम ज़रूरी नहीं पड़ती है, मगर हाँ ऊपर और नीचे जो डिस्क है, गादी है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा दबाव होने के कारण एडजेसेंट सेगमेंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है और पेशेंट को ऊपर की इस लेवल पे या नीचे की लेवल पे अगर लंबार की सर्जरी किए हैं तो डॉर्सल और सर्वाइकल में होने की चांसेस है, मगर वही लेवल में चांसेस कम है। या सो एक बार जब फिक्स करते हैं तो फिर वो लेवल पे प्रॉब्लम होने की संभावना नहीं होती है। और हम पेशेंट को ऐसे ही समझाते हैं कि सभी रीढ़ की हड्डी, सभी गादी का जन्म तो एक साथ ही हुआ था शरीर में, तो एक को नुकसान हुआ तो दूसरे को कल होने की संभावना होती है। इसलिए हम लोग बताते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लुक आफ्टर योर बैक विल लुक आफ्टर यू, वो थीम सब पेशेंट्स को हम बताते हैं कई बार। ये इंटरेस्टिंग सवाल है कि एंडोस्कोपी, दूरबीन का उपयोग, अजय भाई आप दे सकते हो जवाब क्योंकि आप काफी एंडोस्कोपी अच्छे से करते हैं, तो दूरबीन का उपयोग लंबर स्टेनोसिस की सर्जरी में कब करते हैं और इसका रिजल्ट के बारे में आप बताइए ना प्लीज। दूरबीन का उपयोग लंबर सर्जरी में भी किया जाता है, जो सर्जरी, जिस भी सर्जरी से हम नस की जगह बना सकते हैं वो सारी तरह की सर्जरी लंबर स्टेनोसिस में भी लागू पड़ती है। जो दूरबीन की सर्जरी गद्दी के ऑपरेशन के लिए किया जाता है वो तात्कालिक दुखाव और कुछ समय से होने वाली परेशानी के लिए करने की वजह से उसमें बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। दूरबीन की सर्जरी का रोल स्टेनोसिस या लंबर स्टेनोसिस में भी काफी फायदेमंद है, लेकिन स्टेनोसिस सर्जरी के अंदर नस की जगह बहुत ही ज्यादा कम हो गई होती है। जैसे भरत भाई ने बताया कि अपना रिजर्व, स्पाइनल रिजर्व बहुत ही कम हो गया होता है, इसीलिए नस ज्यादा नाजुक होती है, इसीलिए वहां पे ज्यादा नस की जगह बनाने की जरूरत पड़ती है, जो दूरबीन से भी बनाई जा सकती है, लेकिन अपेक्षित बाकी ओपन सर्जरी या स्क्रू वाली सर्जरी से ज्यादा जगह बनाया जा सकता है। और काफी टाइम ऐसा होता है कि मड़कों के घसारे और अस्थिरता की वजह से स्क्रू सब डालने की भी जरूरत पड़ती है, तो वो सब चीजें दूरबीन से नहीं हो सकती है। तो ये आपके डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि उसमें दूरबीन की जरूरत है या नहीं है। हाँ, थैंक यू अजय भाई। दिस क्वेश्चन हैज कम फ्रॉम मिस्टर राजेश कि स्पाइन का प्रॉब्लम की वजह से क्या नी का प्रॉब्लम होता है? आप रवि सर आप दे सकते हैं जवाब इसका, स्पाइन का प्रॉब्लम की वजह से नी प्रॉब्लम हो सकता है? जी सर, स्पाइन में भी L3-4 लेवल पे अगर स्टेनोसिस हो तो उसके कारण जो दर्द है वो घुटनों के आसपास होता है। तो कई बार ये कंफ्यूजन रहता है कि ये दर्द जो है वो घुटने के कारण हो रहा है या स्पाइन के कारण हो रहा है। अमूमन फिजिकल एग्जामिनेशन यानी शारीरिक जांच से डॉक्टर को काफी अनुमान लग जाता है और वो बता सकते हैं कि ये दर्द किसके कारण है, पिन पॉइंट कर सकते हैं। और शारीरिक जांच यानी फिजिकल एग्जामिनेशन के बावजूद भी हमें नहीं पता चले तो भी हमारे पास तरीके हैं, हम नी जॉइंट में इंजेक्शन देके या नर्व रूट के पास इंजेक्शन देके एग्जैक्ट डायग्नोसिस कर सकते हैं कि ये दर्द किसके कारण है, दोनों में से कौन सा कारण है इस दर्द का। या सो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है नर्व का उसके हिसाब से होने की संभावना होती है। थैंक यू। एक प्रश्न है जिगीशा से कि कमर के ऑपरेशन के बाद ये जो आगे झुकना, नीचे बैठना, क्या सब कर सकते हैं? देवानंद आप बताओ कि क्या हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव? हाँ सर, ऑपरेशन के बाद जिस तरह से ऑपरेशन होता है उसमें मैंने जैसे बताया है कि डिकम्प्रेशन सर्जरी अलोन या फ्यूजन सर्जरी, तो दोनों के अलग अलग पोस्ट ऑपरेटिव केयर होता है। जैसे हम डिकम्प्रेशन सर्जरी करते हैं वो लोगों को हार्ड एलएस बेल्ट देते हैं और जिनको हम स्क्रू डालते हैं उनको हार्ड एलएस बेल्ट नहीं देते हैं। ऑपरेशन के कुछ घंटों के बाद पेशेंट दोनों तरफ करवट ले सकता है और शाम तक या नेक्स्ट डे सुबह पेशेंट अपने आप बैठ के एक तरफ करवट होके बैठ सकता है और हम दूसरे दिन पेशेंट को सपोर्ट के साथ चलाते भी हैं। इतना तक बोलते हैं कि पेशेंट को कि आप आगे झुकना, नीचे बैठना,
और इंडियन टॉयलेट यूज करना एटलीस्ट 2 से 3 महीने तक नहीं करना चाहिए। इसके हिसाब से कमर के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ता है और पेशेंट खुद को नीचे बैठ के उठने में बहुत तकलीफ होता है। तो आगे झुकने का तरीका यह है कि आप घुटनों से झुक के आगे जो भी वस्तु है वो ले सकते हैं, मगर कमर से डायरेक्ट नहीं झुकना है। और नीचे बैठने में भी इतना ही प्रॉब्लम होता है क्योंकि डिजनरेशन घुटने में भी होता है और घुटने और कमर के लिए दोनों के लिए नीचे बैठना अच्छा नहीं है। तो पोस्ट ऑप प्रोटोकॉल सर्जरी के हिसाब से हम वेरी करते हैं और पेशेंट टू पेशेंट भी वो चेंज होते रहता है। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, आप सब लाइव आए, बहुत अच्छा, हमें बहुत खुशी हुई। हमारा ये प्रोग्राम अगले मंथ में चालू रहेगा, 2nd Thursday ऑफ द मंथ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सर्वाइकल स्पाइन प्रॉब्लम, द नेक प्रॉब्लम। सो प्लीज वी विल बी सेंडिंग द लिंक, हम आप सबको लिंक सेंड करेंगे, प्लीज ज्वाइन अस देन। थैंक यू वेरी मच एंड हैव safe corona days. Let's hope that no one gets affected and remain safe. Thank you very much and remember SMS, social distancing, mask and sanitization. Thank you, goodbye. Thank you very much, goodbye. Thank you.